मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज पोर्टल घमासान.com और इंदौर की प्रमुख साहित्यिक संस्था वामा साहित्य मंच का गरिमामय प्रयास, पूरे देश का एकमात्र महिला लेखिका साहित्य समागम जिसकी शुरुआत 2019 से हुई, 2020 में इस गौरवशाली आयोजन का दूसरा वर्ष है। आइए सबसे पहले जानते हैं घमासान.com के बारे में। 80 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाला देश का प्रमुख न्यूज पोर्टल, जहां सबसे पहले लोगों को ब्रेकिंग न्यूज मिलती है और इसके साथ ही मिलते हैं दिन भर के प्रतिक्षण घटने वाले समाचार और इनकी जानकारी। इसके लिए घमासान.com की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ काम करती है। नमस्कार, मैं अर्जुन राठौर, संपादक घमासान.com। घमासान.com के माध्यम से हम आपको देते हैं सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज और इसके साथ ही देश भर की खबरें। घमासान.com की पहुंच 80 लाख से अधिक लोगों तक हो गई है। मैं सुरभि भासन देती हूं आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें। मैं जतन चौहान सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं देश और दुनिया की सारी खबरें। नमस्कार, मैं हूं मोहित देवकर, मैं देता हूं ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले। मैं आयुषी जैन, मैं आपको देती हूं वायरल बिजनेस और टूरिज्म की खबरें। मैं हूं पीनल पाटीदार, मैं आपको देती हूं बॉलीवुड गैजेट्स और लाइफस्टाइल की खबरें। मैं रूबी पांचाल आप तक लाती हूं धर्म, करियर और स्पोर्ट्स की सारी खबरें सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा भानुप्रिय और मैं पहुंचाती हूं YouTube के माध्यम से आप तक देश और दुनिया की सारी खबरें। मैं रोहन ठाकुर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं हर खबर। घमासान.com का YouTube चैनल, जो कि एक वर्ष की अवधि में ही बेहद लोकप्रिय हो गया है और जिसके 23,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं और इसकी पहुंच 40 लाख से अधिक लोगों तक हो गई है। हमारे पॉपुलर वीडियो पर व्यूज 20 लाख से अधिक है। आइए देखते हैं घमासान.com के पॉपुलर वीडियो के कुछ अंश। पत्नी द्वारा किए गए अपमान ने डुबो दी ज्योतिरादित्य की लुटिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस वीडियो को 3 लाख से अधिक लोगों ने देखा। IAS चंद्रकला के इस वीडियो को 1 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। घमासान के बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम दे दनादन के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं राजेश राठौर, आप देख रहे हैं घमासान.com की खास पेशकश दे दनादन। हिंदुस्तान को आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन आखिर क्या चीजें रह गई और कौन सी काम हुए? 8 विधायक, 10 विधायक और बीजेपी को मिल जाते हैं तो सरकार भाजपा की बन जाती है। ऐसा होना चाहिए कि सरकारी स्कूल में अनिवार्य रूप से सरकारी अधिकारी कर्मचारी और सरकार से फायदा लेने वाले सभी लोगों को अपने बच्चे सरकारी स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाना अनिवार्य होंगे तो ही उन्हें फायदा मिलेगा। मध्यप्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में आखिर क्या उछाल आ गया और आने वाले समय में कांग्रेस ही कांग्रेस के लिए चुनौती बनकर दिखेगी? अब देखते हैं घमासान के साहित्यिक कार्यक्रमों का कवरेज। तुम्हारे आगे आगे विज्ञान जासूसी कुत्ते की तरह चल रहा है, रहस्यों को टटोलते सुनते वो यहाँ वहाँ चक्कर काट कर ठीक तुम्हारी बैठक में लौटे, अपने ही हाथों तुम्हारी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। कालिदास की रचना का लोहा इस जग ने जाना है, नव सुर ताल सदा संगीत सुधा अमृत बरसे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता। अब बात करते हैं वामा साहित्य मंच के बारे में, जो कि इंदौर नगर की एक प्रमुख साहित्यिक संस्था है जिससे 100 से अधिक महिला लेखिकाएं जुड़ी हुई हैं। इस संस्था के बारे में जानकारी दे रही हैं संस्था के पदाधिकारी। वामा साहित्य मंच साहित्य जगत में अभी अभी शुरू हुआ है और अभी अभी उसने बहुत नाम कमाया है। अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको पता होगा कि वामा साहित्य मंच कितना अच्छा काम कर रहा है और सोने में सुहागा यह हुआ है कि हमारे साथ घमासान.com जुड़ा है और हमारे काम में 4 चांद लग गए हैं। पिछले वर्ष भी हमने एक बहुत अच्छा आयोजन किया था जिसमें पूरे देश से, हर प्रांत से हमने कवर किया था
और इसी वर्ष हमारा ये कार्यक्रम उसी स्तर से बढ़कर हम कर रहे हैं। पिछले साल का अनुभव बहुत अच्छा रहा, देश की जानी मानी लेखिकाएं हमारे बीच उपस्थित थी, तो पिछली बार का जो इतना अच्छा हमारा समागम रहा उससे हमारा उत्साह वर्धन ही हुआ है। इस बार का हमारा ये आयोजन और अच्छी मेहनत के साथ हम लोगों ने किया है। मुझे लगता है कि वामा और वामा साहित्य मंच और घमासान.com मिल करके इसे और बेहतर हम बनाने का प्रयास करेंगे। महिलाओं को लेकर हमने यह एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें कि महिलाएं अपना सामाजिक योगदान, साहित्यिक योगदान शब्द लेखने के माध्यम से कर सकें, जिससे कि जागरूकता तो फैले ही और लोगों को प्रेरणा मिले कि किस तरह से अच्छा साहित्य रचा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। साहित्य में काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये काम सार्थक हो। स्त्री की परिभाषा पहले कैसी थी, आज कैसी है, अतीत से वर्तमान तक उसकी स्थितियां कैसी हैं? देखिए, महिलाओं के लिए, महिला साहित्यकारों के लिए एक आयोजन की कमी थी। वो आयोजन घमासान.com ने सोचा और वामा साहित्य मंच के साथ हम लोग पिछले साल से लेकर घमासान.com और वामा साहित्य मंच के संयुक्त प्रयास से ही मार्च 2019 में गौरवशाली शहर इंदौर में एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें देश की जानी मानी लेखिकाओं ने भाग लिया। उषा किरण खान, डॉक्टर अचला नागर, सुधा अरोड़ा, कृष्णा अग्निहोत्री, मिथिलेश दीक्षित, लता अग्रवाल, शशि पुरवार, रति सक्सेना, शोभना श्याम, कुमकुम कपूर, मीनाक्षी जोशी, नीलिमा टिक्कू, श्रुति अग्रवाल, सरला शर्मा, नेहा शरद, निर्मला गुराड़िया, रचना निगम, सुरभि बहरा शामिल हुई। एक बात याद रखना, जो लेखक होता है वो अपने पाठकों का मार्गदर्शक होता है। अगर उसे ही नहीं पता वो गलत लिखेगा तो पाठकों को गुमराह करेगा, जो बहुत बड़ा पाप है। कि हम महिलाएं तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, हम अपने निर्णय भी जब खुद नहीं लिख सकती हैं, ले सकती हैं जीवन में, तो हम व्यंग कैसे लिखेंगे? व्यंग लिखने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता होती है कि आप अपने मानसिक रूप से सक्षम हो। और जिस दिन देश में बहुत अच्छी व्यंगकार महिलाएं आ जाएंगी, आप समझ लीजिएगा कि ये देश सक्षम हो गया। घमासान.com और वामा साहित्य मंच ने 6 और 7 फरवरी को इस अनूठे आयोजन की रूपरेखा तैयार की और जिसका नतीजा आपके सामने है। इस बार के सम्मेलन में देश भर की प्रमुख महिला साहित्यकार शामिल हुई हैं। इस कार्यक्रम में पधार रही हैं चंद्रकांता जी, सुषमा गुप्ता, जयश्री रॉय, शील कौशिक, नासिरा शर्मा, मृदुला सिन्हा, सीमा जैन, उषा किरण, जयंती रंगनाथन, मालिनी गौतम, जया जादवानी, रचना समंदर, निर्मला भुराड़िया, मीनाक्षी स्वामी, अलकनंदा साने, डॉक्टर दिव्या गुप्ता, रुचिवर्धन मिश्र, वर्षा बंसल, मेहरुनिसा परवेज, रेणु जैन और रश्मि रमानी अतिथि के रूप में शामिल होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। वामा साहित्य मंच और घमासान.com का ये गौरवशाली आयोजन हर वर्ष होता रहे, जिसके लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। हम आभारी हैं हमारे सभी अतिथियों के और इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वाली देश भर की लेखिकाओं के, हमारे प्रायोजकों के और विशेष रूप से हमें सहयोग देने वाले साथियों के।